हेलो गाइज़ रब एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं जो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको किसके लिए चाहिए यदि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए यानी यदि आप बीकानेर यूनिवर्सिटी से जयपुर यूनिवर्सिटी जा रहे हो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी उसमें जा रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए यानी आपने बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी से आपने यदि बे फर्स्ट ईयर बी ए सेकेंड ईयर या बी ए थर्ड ईयर की है या फिर एम ए जो भी किया है तो यहाँ से आपने यदि इस जगह जाके आप जयपुर में कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके आप यदि बी एड कर रहे हो तो आपको वो यूनिवर्सिटी है जयपुर वाली वो कहेगी आप हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाओ तो आप सोचोगे कि, कि भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या ये नहीं पता हमको तो मैंने बता दिया कि एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में बदल रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सोचोगे मिलेगा कहाँ तो मिलेगा आप बी एड कर उस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा आपको जहाँ से आपने बी ए फर्स्ट या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किया ना इस यूनिवर्सिटी में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो इस यूनिवर्सिटी बिकानेर वाली है जैसे एम जी एस यूनिवर्सिटी है जो महाराणा गंगा सिंह महाविद्यालय है वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले जो जैसलमेर रोड पे माड़ा गंगा से मारदल है वहाँ पर जाना होगा वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डो, घर से तैयार करके ले जाने हैं वो मैं आपको बता दूँ तो आप यदि खुद जा रहे हो तो आधार कार्ड की कॉपी और यदि आपने बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी लास्ट ईयर आपका चल रहा था बी से पहले तो उससे पहले आपका चल रहा है उसकी फोटोकॉपी और जो एक फोटो कॉपी लेके जानी है ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में से एक ले जाना या तीनों ही ले जाना आप और यदि आप खुद नहीं ला रहे हो आपका भाई ला रहा है बड़ा या जो भी ला रहा है पिताजी ला रहे हैं तो पिताजी का आधार कार्ड की कॉपी चलेगी और आप जो भी ला रहे हो उसके आधार कार्ड मैन भी चाहिएगा कई बार मांग लेते हैं उन्हें शक होता है तो और उसका आधार कार्ड मैन ले कर जाना है आपको अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप यूनिवर्सिटी में चले गए तो यूनिवर्सिटी में बढ़ने से पहले इधर बैंक पड़ जाती है पीएनबी बैंक तो पीएनबी बैंक जाने से पहले आपको पी एन बी बैंक एक आपको देगी कि भाई जल्दी से भरो इसको तो आपको किस प्रकार भरना है वो मैं बता देता हूँ तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट लगानी है ये तीन देंगे इधर एक दो और तीन इधर वाला वो बैंक खुद रख लेगी और ये दोनों है वो यूनिवर्सिटी रख लेगी तो आपको ऊपर दिनों में डेट लगानी है इसमें इसमें जिस डेट से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाने जा रहे हैं यहाँ आपका नाम यहाँ आपके पिताजी का नाम यहाँ पे जो आप बीए या बीएड कर रहे हो उस पर आपको जो इंटरमेंट नेम होते हैं नंबर होते हैं वो लिखने हैं यहाँ के अपने मोबाइल नंबर लिखने यहाँ पर जिस ये आपने की थी यदि आप 2022 में किए यदि आप चोइस में ला रहे हो तो 2022 ही लगानी है यहाँ पे आप बी कॉम कर रहे हो बी कर रहे हो एम कर रहे हो जो भी कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ की वो लगाना है बाद में यहाँ पर आपको माइग्रेशन है वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह लगाना है ऐसे करके बाद में यहाँ डेढ़ सौ रुपये हैं फिर दोबारा यहीं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन फीस वो चाहिए इस प्रकार इधर वाला चिन्ह लगाना है फिर आपको नीचे जाना है फिर आपका टोटल अमाउंट कितना है वो आपको वर्ल्ड में लिखना है जैसे डेढ़ सौ है तो वहाँ पे यहाँ पे आपको इंग्लिश में या हिंदी में जो भी लिख देना फिर नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन जैसे आप यहाँ पे कुछ लगाओ तो लगा देना वरना अपना आपका खुद का या जिसका बिल लेके आ रहे हो उसका नाम लगवाना है यहाँ पे बाद में अपने जो बिल ला रहा है आपका पिताजी ला रहे हैं तो आपके पिताजी की सिग्नेचर नहीं आप ला रहे हो तो आपकी सिग्नेचर चाहिए फिर आप अपना एड्रेस डाल देना यहाँ पे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो जैसे यदि आप चूरू से बिलोंग करते हो तो चूरू का लगा देना गंगानगर का लगा देना हनुमानगढ़ का लगा देना और अदर जैसे झुंझुनू सिक्कर जो भी है वो आप लगवा देना यहाँ पे फिर यहाँ कुछ ही नहीं लगाना है वहाँ यहाँ आप वो ट्रांजेक्शन जो नंबर है वो लगाना है तो वो आपको नहीं लगाने है इसी प्रकार ये जो भरा वैसे इसमें भरना है यहाँ पे डेट लगा दी इधर वाले ऐसे इसमें भरना है फिर जो आप जाओगे तो बैंक वालों को डेढ़ सौ रुपये देने वो डेढ़ सौ रुपये काट लेगा और ये पर्ची देगा ये पर्ची आपको जो महाराणा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें आप बढ़ोगे तो बढ़ोगे सबसे पहले तो यहाँ आपको महाराणा गंगा सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है तो उससे इधर वाली साइड में जाना है इधर वाली साइड में नहीं जाना है इसमें मजा चले जाना है इधर वाली साइड में जाना है जहाँ ऊपर वाली ऊपर इधर सूर्य प्लेट लगी हुई इस लाइन में जाना है यहाँ पर आपको एक परीक्षा कक्ष दिखेगा परीक्षा कक्ष परीक्षा कक्ष लिखा हुआ है उसके ऊपर जो वर्ड है उसमें उसमें आपको दो नंबर खिड़की पे जाना है दो नंबर खिड़की पे जाने के बाद जो ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं जमा करवाने के बाद आपके वो सिग्नेचर मांगे आपको सिग्नेचर कर, करने आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा मैं बता दूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो मैं नाम तो नहीं दिखाऊँगा लेकिन आपको मैं जो नंबर्स है वो भी नहीं दिखाऊँगा तो मैं नहीं दिखाना चाहता माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है देखो मैं नहीं दिखा सकता मजबूरियाँ होती है कुछ तो मैं ये नहीं दिखा सकता आपको इस प्रकार का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आपको शायद नाम दिख रहा होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये रहा जो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा इस प्रकार का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आके नीचे कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है इस प्रकार से जी धन्यवाद राम राम दोनों बता दिए इस प्रकार से आपको लेके आना है मैंने डिटेल्स बता दिए जो भी प्रक्रिया रही है वो थैंक यू धन्यवाद